ऑल इंडिया रेडियो चंडीगढ़ FM 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं लिव लाइफ मोर शो और मैं हूं पल्लवी जस्सल। हमारी आपसे मुलाकात होती है हर गुरुवार सुबह 10:05 पर और ये शो दोस्तों आप तक लाया जाता है फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली के सहयोग से। मातृत्व का एहसास एक औरत को संपूर्णता का एहसास देता है, लेकिन इस सुखद एहसास के साथ एक माँ के जीवन में बहुत सी जिम्मेदारियाँ जुड़ जाती हैं। अपने बच्चे को सुरक्षित रखने की, सही पोषण देने की, हर बुरी नजर से बचाने की भी, और इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है स्तनपान। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अगस्त का पहला हफ्ता सारी दुनिया में ऑब्जर्व किया जाता है ब्रेस्ट फीडिंग अवेयरनेस वीक के रूप में, और हम आज का ये प्रोग्राम डेडिकेट करते हैं इसी विशेष उपलक्ष्य को। हमारे साथ स्टूडियो में हैं डॉक्टर राबिया कपूर, जो हमारे क्षेत्र की वेल नोन फिजियोथेरेपिस्ट एंड लैक्टेशन कंसल्टेंट है। डॉक्टर राबिया, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के लिव लाइफ मोर शो में। थैंक यू डॉक्टर पल्लवी। डॉक्टर राबिया, ब्रेस्ट फीडिंग मदरहुड का एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। बहुत सी एप्रिहेंशंस होती हैं न्यू मॉम्स को, ब्रेस्ट फीडिंग क्यों करवाएं, कब ब्रेस्ट फीडिंग शुरू करें, और कैसे हमें पता चलेगा कि बच्चे को अब दूध की जरूरत है, और क्या बच्चे को सही मात्रा में दूध पहुंच रहा है, और न जाने कितने सवाल एक माँ के जहन में रहते ही हैं। तो आज के प्रोग्राम में डॉक्टर राबिया, सबसे पहले तो आप हमें बताएं कि ब्रेस्ट फीडिंग इम्पॉर्टेंट क्यों है माँ के लिए और बच्चे के लिए। सो पल्लवी, जैसे कि जिंदगी की परेशानियों के लिए एक रक्षा कवच की जरूरत होती है, सो इसमें कोई शक नहीं कि जो माँ का दूध है वो एक रक्षा कवच का काम करता है। सो ब्रेस्ट फीडिंग इज बेसिकली, इट हैज ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर बेबी इन एडिक्वेट प्रोपोर्शन। सो ब्रेस्ट फीडिंग डिक्रीजेज ऑल द चाइल्डहुड डिजीजेज लाइक एलर्जीज, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, ईयर इन्फेक्शन एंड गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन। और ब्रेस्ट फीडिंग ना केवल बच्चे के लिए ही ज़रूरी है, बट ये माँ के लिए भी बहुत ज़रूरी है। सो सबसे बढ़िया चीज़ माँ के लिए ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये फैट को बर्न करता है, कैलोरीज को बर्न करता है, जो जितना भी वेट गेन मदर ने प्रेगनेंसी के टाइम पे किया है, सो उस सब को कम करने के लिए ब्रेस्ट फीडिंग बहुत हेल्प करता है। एंड इवन ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे मदर और बेबी दोनों के अंदर जो हार्मोन रिलीज होता है, उस हार्मोन को हम ऑक्सीटोसिन कहते हैं। सो वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है वो बच्चे और माँ दोनों में एक बॉन्ड क्रिएट करता है। एंड इवन जो ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे, इसी से ही यूट्राइन कंट्रैक्शन होती है, सो मदर की जो हीलिंग है वो 95% फास्टर हो जाती है अगर मदर ब्रेस्ट फीड करती है। डॉक्टर साहब, ये तो बात हुई उन बेनिफिट्स की जो ब्रेस्ट फीडिंग से मदर और चाइल्ड दोनों को होते हैं, लेकिन ये भी सवाल बहुत ज़रूरी है आपसे पूछना कि ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट कब करनी चाहिए। अर्ली इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो जितना ज़्यादा मदर के लिए, उतना ही ज़्यादा फैमिली के लिए अवेयर होना भी बहुत ज़रूरी है। सो मदर कैन टॉक टू हर गायनाकोलॉजिस्ट ऑल्सो और लैक्टेशन कंसल्टेंट। अगर मदर्स वर्किंग है तो उनको ये भी स्ट्रेस होता है कि हम बाद में काम पे कैसे जाएंगे, हम कब ब्रेस्ट फीड कितनी देर कराएंगे। सो अगर उनको पहले से ही एंटीनेटल पीरियड के टाइम पे ही अवेयरनेस होगी कि हमें अर्ली इनिशिएशन ब्रेस्ट फीड की करानी है, तो वो तभी करा पाएंगे। सो दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, एक अर्ली इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग विद इन फर्स्ट आवर ऑफ द डिलीवरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड एटलीस्ट फॉर 6 months। तो इसका मतलब, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड का मतलब है कि जिसमें हम कोई भी जन्म घुट्टी नहीं इन्वॉल्व करते, कोई पानी नहीं इन्वॉल्व करते, तो इसको हम, इसकी डेफिनेशन ये है। सो बेसिकली क्या होता है कि जो कोलेस्ट्रम, जो माँ का फर्स्ट मिल्क आता है, वो एक मेडिसिन का, एक वैक्सीनेशन का काम करता है बेबी के लिए, जिससे कि बच्चे को लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी
मिलती है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर बिल्कुल भी इम्यूनिटी नहीं होती, तो अगर मदर को ये अवेयरनेस पहले ही होगी कि उसको फीड कराना है बेबी को, फैमिली इस बात के लिए अवेयर होंगे कि उनको फीड कराना है, तो वो जल्दी से जल्दी फीड कराना स्टार्ट करेंगे। सो इसमें हमें दो तरह की चैलेंजेस भी मिलते हैं। फर्स्ट इज़ अगर तो नॉर्मल डिलीवरी है तो तब तो मदर इजीली फीड करा लेती है, बट जैसे सी सेक्शन हो गया है तो उसके बाद हम कैसे अर्ली इनिशिएशन कराएंगे, तो मदर ओटी में ही बेबी को फीड करा सकती हैं, सिस्टर्स की हेल्प के साथ करा सकती हैं। अगर बच्चे को कोई भी फर्स्ट केयर की ज़रूरत नहीं है, उसको आईसीयू में नहीं शिफ्ट किया जा रहा, तो मदर तब भी अर्ली ब्रेस्ट फीड करा सकती हैं बेबी। डॉक्टर साहब, अगर हम फ्रीक्वेंसी ऑफ फीडिंग की बात करें तो कैसे ये पता चलेगा कि बच्चे को भूख लगी है? क्योंकि बच्चा जब छोटा होता है उसका रोना बड़ा स्वाभाविक है, लेकिन माँ को कैसे पता चले कि उसे कब फीड अपने बच्चे को देनी है? और माँ को ये भी रहता है कि क्या वो अपने बच्चे को सही पोषण दे पा रही है? इस तरह के क्वेश्चंस एक न्यू मॉम को ज़रूर तंग करते हैं, तो आप लैक्टेशन एक्सपर्ट हैं, तो आप ही इस बारे में हमारे लिसनर्स को बताइए। सो बेसिकली क्या है कि बच्चे हंगर क्लूज देते हैं। हंगर क्लूज में जैसे वो अपना हाथ मुंह में डालेंगे, या बच्चे के अंदर रूटिंग रिफ्लेक्स होता है, अगर हम उसके लिप्स के कॉर्नर पे टच करेंगे तो वो उसी तरफ, जिस तरफ हम टच करते हैं उसी तरफ बच्चे फेस करते हैं, तो दैट मीन्स कि दे आर हंगरी। सो एट दैट टाइम मदर को उनको फीड कराना है, बच्चे के रोने की वेट नहीं करनी है। अगर हम उसके रोने की वेट करेंगे तो बच्चा बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो जाता है, उसे सब पैनिक क्रिएट हो जाता है कि इट्स ऑल डिमांड फीड। जब ये सब साइंस दे तो उसी टाइम मदर को फीड करा देनी चाहिए। इट्स ऑल डिमांड फीड कि बच्चा कितनी देर फीड लिए, ये जैसे ही बच्चा अपने आप से साइंस देंगे आपको कि वो उनका पेट भर गया, वो माउथ ओपन नहीं करेंगे, तो इसका मतलब है कि बच्चा अब सेटिस्फाइड हो गया। बट कैसे पता चलेगा आपको कि, जैसे मदर्स को ये भी डाउट होता है कि हमारी फीड उतनी आ रही है कि नहीं है, बच्चे को सफिशेंट फीड मिली है कि नहीं, तो सबसे पहले अगर मदर को लेट डाउन के साइंस क्या हैं कि मदर को बहुत ज़्यादा, मदर फील सो डिहाइड्रेटेड, अगर उसको वो फीड प्रॉपर करा रही है तो उसको पानी खूब सारा मदर को पीना है। इवन मदर इस टाइम पे जब बेबी फीड ले रहा होता है तो मदर फील सो रिलैक्स्ड, एंड अगर बेबी के लिए देखा जाए कि अगर बच्चा यूरिन आउटपुट ठीक से कर रहा है, अगर 5-6 टाइम्स यूरिन पर डे कर रहा है, तो दैट मीन्स उसको सफिशियंट फीड जा रही है। इवन वेट गेन से भी हम ये चेक कर सकते हैं कि बच्चे को प्रॉपर फीड जा रही है कि नहीं। स्टार्टिंग के कुछ डेज में बेबी का वेट ड्रॉप करता है, बट उसके बाद बच्चा एडिक्वेट वेट गेन करता है, तो दैट मींस कि बच्चे को प्रॉपर फीड जा रही है। डॉक्टर साहब, एक और सवाल मेरा ख्याल है नई माओं के जहन में रहता है कि वो किस तरह से बैठें ताकि फीड भी बच्चे को प्रॉपर मिल पाए, और उनके जो पोस्चर है, जैसे कि डिलीवरी के बाद लोअर बैक एक होती है या और बहुत सारी फिजिकल डिस्कम्फर्ट्स मदर्स को रहते हैं, तो क्या वो सही पोस्चर है जिसमें वो बैठें, बच्चे को भी उससे फ़ायदा हो और मदर को भी इन सारी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े? फर्स्ट थिंग इज़ पोजीशन, मदर को अच्छे से कंफर्टेबल पोजीशन में बैठना है। सेकंड थिंग इज़ कि बेबी को प्रॉपरली उन्होंने अपनी लैप में लिया है, बेबी का हेड फेस शुड बी टचिंग मदर्स टमी, और स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट हो। बेबी का हेड कवर नहीं करें, क्योंकि जितना ज़्यादा अगर आप उसको कवर करके फीड कराएंगे तो बच्चा ज़्यादा अच्छे से फीड नहीं ले पाता, तो उस टाइम पे उसको स्वेडल नहीं करें। एंड थर्ड थिंग इज़ लैच, जब मदर बेबी को फीड करा रही हैं तो उनको बिल्कुल भी पेन नहीं होनी चाहिए। अगर पेन हो रही है तो दैट मीन्स कि फीड प्रॉपर नहीं हो रही, तो उससे फिर सोर निपल या एंगॉजमेंट के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो अगर ऐसी कुछ भी परेशानी हो तो देन दे कैन कंसल्ट देयर लैक्टेशन कंसल्टेंट और देयर डॉक्टर, ताकि वो इन अच्छे से प्रॉपर पोजिशनिंग, प्रॉपर लैच के बारे में जान सकें। हाँ, सो पल्लवी, एक और बहुत कॉमन रिचुअल है कि जब भी बच्चा पैदा होता है तो कहा जाता है कि हम उसको हनी दे दें, जन्म घुट्टी दे दें, या फिर जो स्टार्टिंग की फीड है वो ठीक नहीं है उसको डिस्कार्ड कर दिया जाए। ये बहुत गलत है, ये चीज़ें नहीं देनी चाहिए बिल्कुल भी, और जो स्टार्टिंग की फीड है बच्चे के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो इसमें सब वो न्यूट्रिएंट्स, सब वाइटमिन्स, प्रोटीन्स हैं जो बेबी को उसकी अर्ली स्टेज में चाहिए।
सो पल्लवी, जैसे कि कई बार मॉम्स को ये भी लगता है कि मेरा बच्चे को प्यास लगी है, मेरे को जैसे एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड की बात की गई है कि पानी नहीं देना, तो उसमें प्यास लगेगी तो हम बच्चे को क्या दें, पानी नहीं देना. बट द थिंग इज़, नेचर हैज़ डिज़ाइन दिस वेरी ब्यूटीफुली कि जो वाटर कंटेंट है बच्चे को उसकी फीड से ही मिलता है. सो स्टार्टिंग की जो 5-10 मिनट्स बच्चा फीड लेता है उसमें उसको वाटर कंटेंट मिलता है, और जैसे जैसे वो सकिंग करते जाते हैं वैसे वैसे उसके बाद उसको हैवी फीड मिलती है, जिससे कि उसको हंगर और उसका प्यास दोनों ही सेटिस्फाइड होते हैं. सो इसीलिए ये ज़रूरी है कि एक टाइम पे एक ही ब्रेस्ट से फीड कराया जाए ताकि उसको ये दोनों चीज़ें मिलें. अगर हम उसको शिफ्ट करेंगे तो उसको दोनों तरफ से वाटर कंटेंट मिल जाएगा, हंगर सेटिस्फेक्शन नहीं होगी, जिससे फिर मॉम को ये लगता है कि शायद मेरा प्रॉपर नहीं आ रहा है. सो इसीलिए एक फुल साइकिल कंप्लीट करें, एक टाइम पे एक ब्रेस्ट से फीड कराएं और नेक्स्ट टाइम पे दूसरी ब्रेस्ट से फीड कराएं. डॉक्टर साहब, हमारे कल्चर में जो न्यू मॉम्स होती हैं उनकी मदर इन लॉज और उनकी मदर्स खूब सारी पंजीरी उनको खिलाने की कोशिश करती हैं, जिसमें लोड्स एंड लोड्स ऑफ देसी घी होता है, ड्राई फ्रूट्स होते हैं. उन्हें ऐसा लगता है कि ये सब खिलाने से, मक्खन मलाई खिलाने से जो फीट है वो ज़्यादा होगी और बच्चा हेल्दी होगा और साथ ही साथ मदर्स की हड्डियाँ भी मजबूत रहेंगी. तो ये जो सारी प्रैक्टिसेस हैं हमारे ट्रेडिशन में, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और क्या ऐसा किया जा सकता है कि जो फीड है वो प्रॉपर बने और बच्चे को और माँ को इससे बेनिफिट हो जाए? पल्लवी, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है कि मॉम्स को हमेशा ये लगता है कि हम अपनी फीड कैसे बढ़ाएं. सो बेसिकली द कंसेप्ट इज दिस कि वेन एवर बेबी सक्स टू मदर्स ब्रेस्ट, एट दैट टाइम स्टिमुलस गोज टू ब्रेन और उसी से हार्मोन्स रिलीज होंगे. जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंटली मदर ब्रेस्ट फीड कराएगी उतना ही ज़्यादा फीड आएगी. अगर मदर ये सोचे कि मैं मॉर्निंग में फीड कराया उसके बाद मैं शाम को फीड कराऊंगी, तो उससे फीड ज़्यादा नहीं होगी बल्कि कम हो जाएगी. सो आफ्टर एवरी 2 आवर शी हैज़ टू फीड हर बेबी. एंड देन जो होम रेमेडीज हैं, अगर सो उसमें मदर जीरा वाटर, मेथी दाना सीड, ये सब चीज़ें ले सकती हैं जिससे कि फीड इंक्रीज करे. और लैक्टेशन रिफ्लेक्सोलॉजीज भी अवेलेबल हैं, जिससे कि एसेंशियल ऑयल यूज़ करके एक्यूप्रेशर पॉइंट्स के जरिए फीड को और ज़्यादा इंक्रीज़ किया जा सकता है. तो जहाँ तक पंजीरी का सवाल है, पंजीरी में जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो सब हेल्दी हैं, बट घी का अमाउंट उसमें कम रखें और अपनी एक डाइट में आप पंजीरी खा सकते हैं. और बाकी जितना ज़्यादा मदर रिलैक्स रहेगी, जितना फैमिली सपोर्ट रहेगी, बिकॉज मदर को हर टाइम ऑन डिमांड फीड करानी है डे नाइट आफ्टर एवरी 2 आवर्स. सो जितनी फैमिली सपोर्ट रहेगी उतना ही मदर ईजीली फीड करा पाएगी, उतना ही ज़्यादा बच्चे को हम हेल्दी बना सकेंगे. और डॉक्टर राबिया, मुझे पूरी उम्मीद है कि जिन भी माओं ने आज का प्रोग्राम सुना है, जिनके छोटे बच्चे हैं या जिनका बच्चा अभी इस दुनिया में आने वाला है, उनके लिए सारी जानकारी बहुत ही ज़रूरी है और बच्चे को ज़्यादा हेल्दी बनाने में डेफिनेटली मदद कर सकती हैं. तो डॉक्टर राबिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ शेयर करने के लिए. ओके, थैंक यू सो मच पल्लवी. सो बीइंग अ लैक्टेशन कंसल्टेंट, मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि ब्रेस्ट फीडिंग एक बहुत सुंदर एहसास है, बट अगर आपको कोई भी इसमें चैलेंजेस आ रहे हैं तो आप ज़रूर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें. तो दोस्तों, आज के लिव लाइफ मोर शो में इतना ही. अगर आज के विषय पर आप अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप हमें कॉल करें. हमारा नंबर है 7508361733. जी हाँ, 7508361733. इस प्रोग्राम को ऑनलाइन सुनने के लिए लॉग इन कीजिए livelifemore.com या facebook.com/livelifemoreofficial पर. सो फ्रेंड्स, दिस इज पल्लवी जसल नाउ सेइंग बाय टू यू एंड टिल वी मीट अगेन, स्टे ब्लेस्ड एंड लिव लाइफ मोर. दिस प्रोग्राम इज कॉन्सेप्चुलाइज्ड बाय डॉक्टर संदीप जसल.